और देखिए आप देखिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का एक्सक्लूसिव। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो जिनको समझा जा रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से वो नायाब हैं। नायब सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि पहले लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बड़ा मुश्किल है पार पाना। कहते हैं नायब सैनी जी उनको जो 56 दिन मिले उसमें उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि चीजें अब कांटे की टक्कर के तौर पर कही जा रही है, और वो कहते हैं कि अभी तो बहुत दिन बचे हुए हैं, देखिए क्या होता है। बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। थैंक यू। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। मैं ठीक हूं मनीष जी, और लगे हुए हैं जबरदस्त, लोगों का रिस्पांस, प्यार, आशीर्वाद। हरियाणा के लोगों का मैंने पहली बार देखा है कि इतना आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मिल रहा है। हरियाणा के लोगों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। जहां पर ये बातें होने लगी कि अनिल विज कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, जनता का बड़ा दबाव है, राव इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि देखिए 12 साल में तो कूड़े का भी नंबर आ जाता है, ये असल में इसको आप ले कैसे रहे हैं? क्या आपके अंदर बड़ी सारी एम्बिशंस हैं, इनको टेम करना भी आपके लिए एक चुनौती है, या आप ये समझते हैं जहां बात ही नहीं हो रही थी अब वहां ये बात होने लगी कि मुख्यमंत्री कौन बने, मतलब सरकार तो बन रही है? नहीं, देखिए दिनेश जी, हमारा पार्टी का संगठनात्मक सिस्टम है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और इच्छा हो सकती है, क्यों ना हो, राजनीति के दल में है, इच्छा तो कोई भी कर सकता है, करनी भी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा है, हमारे नेता हैं, पार्टी के सीनियर नेता हैं, इच्छा रखनी चाहिए, अच्छा है, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। दिनेश जी आपने पूछा है, कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस के अंदर ये इच्छा करना भी जुल्म है, धारा 302 लग जाती है अगर ये इच्छा कांग्रेस में कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों कांग्रेस के नेताओं ने, क्योंकि काम करते करते सीनियर लीडर होते हैं, इच्छा जागती है, किरण चौधरी की उन्होंने थोड़ी इच्छा व्यक्त की, क्या हालात किया, परिवारवाद है। और इतनी सीनियर लीडर, परिवार की बैकग्राउंड, रणदीप सुरजेवाला लाइन में लगा रखा है, और अशोक तंवर, अरे वो दलित परिवार का बेटा जिसके मन के अंदर इच्छा थी हरियाणा के लिए, दलित समाज के लिए, ऐसी समाज के लिए उसके मन में कुछ अरमान थे, दबा दिए, कुचल दिया, गर्दन तोड़ दी, देखने के लिए गए। दलितों के बड़े कट्टर विरोधी कांग्रेस पार्टी है, और इतनी कट्टर विरोधी है दलितों के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं पनपने दिया, आपके सामने है, उसको नहीं पनपने दिया। और दलित को कोई बड़ा बनना चाहेगा उसको कैसे ये स्वीकार कर लेंगे कि ये बड़ा बन जाए? कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में तो दलित समाज, गरीब समाज को नीचे रखते हैं, इनकी मेंटलिटी है, इनके डीएनए के अंदर है। अब कुमारी शैलजे का नंबर है, क्या किया है उसके साथ, एक बड़ी नेता है वो कांग्रेस की, क्या जुल्म कर दिया उसने, इच्छा जाहिर कर दी भी मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार हूं, इच्छा ही जाहिर की है, क्या हालात किया है, किस प्रकार से जाति सूचक शब्द बोल करके उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करती दलित के समाज को, इसी समाज को। ये कहा जाता है कि जब हम ये अलग अलग जो वर्ग हैं इनके लिए इंसाफ की ही तो बात करते हैं, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि फिर इनकी सही तादाद पता होनी चाहिए और उस संदर्भ में काम होना चाहिए, तो ये हम क्या गलत करते हैं? वो कहते हैं सबकी सही गिनती हो जाए, उस हिसाब से भागीदारियां सुनिश्चित हो जाएं, हम तो इंसाफ की ही बात करते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई भी विषय नहीं छोड़ती जिस व्यक्ति या कोई ऐसा संगठन
जो देश के टुकड़े टुकड़े की बात करता हो, जो देश को तोड़ने की बात करता हो, जो देश के प्रति ऐसी भावना रखता हो कि नुकसान होता हो, कांग्रेस जाकर के उसके पाले में बैठ जाती है, उसको समर्थन दे देती है। ये हालात कांग्रेस के हो गए हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं दिनेश जी, देखिए आप बात को समझना, कांग्रेस ने क्या क्या किया है। हमारा ये नहीं है विषय, विपक्ष की भूमिका होती है, हम विपक्ष के अंदर रहे हैं, कम हम कोई 5 साल या 10 साल विपक्ष में नहीं रहे, हम लंबा साल 50-60 साल तक विपक्ष में भूमिका अदा की है। ठीक है, हमने जो सरकार ने अच्छे काम किए हैं उनके बारे में लोगों को कहा भी है भी अच्छा काम किया है, और जो पब्लिक के विरोध थे उसका विरोध भी किया है। परंतु मैं ये मानता हूं, हमने ये देखा है, क्योंकि मैं भी लगभग लंबे समय से, लगभग 25-30 सालों से नजदीक से देख रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी एक भी काम ऐसा नहीं था कि जो जनता के हित के अंदर उन्होंने किया हो। परंतु अगर कुछ काम किए हैं उसके बारे में हमने अप्रिशिएट किया, अगर उन्होंने गलत काम किए हैं, ज्यादा उन्होंने गलत काम किए, हमने हर गलत काम का विरोध दर्ज कराया है, समालोचना की आपने, हमने की है। आपने सही को सही कहा है, गलत को गलत कहा, गलत कहा है, ठीक है। परंतु कांग्रेस ने जो भी काम सही हुए हैं उनको गलत कुछ तो ठीक कहा होगा, कुछ तो ठीक किया होगा, कुछ तो ठीक किया होगा। एक भी मोदी जी ने जो काम किया है, योजना लाए हैं, हर योजना का विरोध कांग्रेस पार्टी ने पल्ली बिछाए का किया है, नीचा बैठ के तड़ा। आपने मैनिफेस्टो में 2 लाख की बात की है, हमने 2 लाख की किया। ये इतने रोजगार महिलाओं को जो आपने कहा है कि ये राशि जाएगी, ये जो लोग बेरोजगार हैं उनको ये भत्ता मिलेगा, ये सब मौजूदा आपका जो बजट का प्रावधान है उसको देखते हुए आपको लग रहा है संभव ये सब हो जाए? देखिए दिनेश जी, हमने पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया, और अगर हमने रोड मैप तैयार किया है, अगर आप हमारे संकल्प पत्र को 2014 के देखेंगे, फिर 2019 के देखेंगे, हमारा 100% संकल्प पत्र हमने लागू किया, हूबहू हमने धरातल के ऊपर उतारा है, हम उसका रोड मैप तैयार करते हैं, और रोड मैप तैयार करके उसके संसाधनों के बारे में भी चिंता करते हैं, संसाधन के बारे में चिंता करते हुए हम लोगों को वो लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। वो तो कहते हैं कि आप उनका मैनिफेस्टो कॉपी कर ले। अरे मैं तो कह रहा हूं, उनका मैनिफेस्टो हमने कॉपी करके मरना है? भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए लोग हैं। अब इसमें आपने जो किसानों को संदर्भ में बात कही है, मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा ये देखिए 24 फसलों के संदर्भ में ये घोषणा देखिए, अब इसमें MSP पर खरीद के लिए सरकार आश्वासन दे रही है, सरकार और क्या करे, उन्होंने कहा इसको लेकर बिल बनाएंगे कभी, और इसमें जो 24 शामिल किया इनमें पूछे नारियल भी है क्या? अब यहाँ नारियल कहाँ उगता है? नहीं देखिए, ये किसने कहा, कांग्रेस के ने, किसी कांग्रेस के उसने किसी व्यक्ति ने ये मुझसे कहा कि आप ये पूछिए उनसे कि इसमें वो बिल क्यों नहीं बनाते हैं और इसमें नारियल क्यों शामिल है? देखिए नारियल क्यों नहीं शामिल किया, नारियल 24 में क्यों शामिल है? हरियाणा में उन्होंने कहा कि नारियल उगता नहीं, उनसे पूछिए 24 में फेहरिस्त में नारियल भी है। नहीं, हमने जो हरियाणा की उत्पादन हमारा किसान करता है हमने उस संदर्भ में कहा, और वो ये बात कह रहे हैं 14 फसलें तो हम पीछे MSP पर खरीद रहे थे, हमने 14 फसलें किसान की MSP पर पहली बार खरीदने का काम किया। कांग्रेस के अंदर तो केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, स्वामीनाथन ने, और हमने बड़ा एजिटेशन किया था, स्वामीनाथन ने कहा कि भाई किसान की हालत खराब है, कांग्रेस को कहा आप उसके ऊपर कुछ सुधार करो, एक कमेटी बिठाई इन्होंने, कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस कमेटी का चेयरमैन भूपेंद्र हुड्डा, हुड्डा उस कमेटी का चेयरमैन था, रिपोर्ट आ गई केंद्र में, सरकार इसकी हिम्मत नहीं पड़ी भी उस रिपोर्ट को लेकर के दिल्ली चला जाए, वहीं डस्टबिन में डाल दी, खत्म कर दी, वहीं जला दी, जलाने के अंदर माहिर हैं ये रिकॉर्ड को। ये इस प्रकार के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि किसी का भला हो। हमने खिलाड़ियों के लिए जितना हमने काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया, हमारे यहां पर हमने जो नर्सरियां बनाई हैं, और नर्सरियां बना करके हमने खिलाड़ियों को जो सम्मान दिया है, उनकी जो पीछे से सपोर्ट करी है, वैसे मेडल नहीं आए 2014 के पहले भी मेडल देख लीजिए, ये तो पहले इस प्रकार का इनका नारा था, मेडल लाओ पदक पाओ, ये नारा कांग्रेस का था। हमने उनको कहा है कि आपको हम सम्मान देंगे, आप मेडल लेकर के आओ। आप देखिए उसके बाद
कितने मेडल 2014 के बाद और 2014 से पहले आप उसकी तुलना कर लीजिए, कितने हमारे मेडल बढ़े हैं। और उसका कारण है कि सरकार ने उनको एकदम पीछे से सपोर्ट किया है। चलिए, अब कार्यक्रम के आखिर में आपसे एक बात और समझना चाहता हूं कि यहां से आपको कुछ नतीजों और आंकड़ों के संदर्भ में दिखाई देता है क्या, किसको कितनी सीटें? मैंने दिनेश जी आपको कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही। बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही, बड़े मैंडेट के साथ। 90 में से कितनी? देखिए आंकड़ा मैं 8 तारीख को बताऊंगा, परंतु मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं कि जो मेरे पास, मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं, ऐसी कोई भी सीट नहीं है जिस सीट को हम जीत ना रहे हों बड़े मार्जिन के साथ। आज भूपेंद्र हुड्डा को भी अपनी सीट से दिक्कत आ रही है, उसको भी दिक्कत आ रही है अपनी सीट से। और हुड्डा साहब ये बात बोलते थे, उन्होंने वहां जाकर के बोला कि ये मेरा घर है सोनीपत के अंदर। मैंने कहा हुड्डा साहब तेरे को तो रह दिया था यहां तक, हराया नहीं हराया, क्यों आप अपना गढ़ मानते हैं? वहां जाकर के लोगों के बीच में इस प्रकार की अफवाह फैलाता है, कहा ये तो हुड्डा का गढ़ है। भाई गढ़ कहां तेरा, तैं तो रह दिया था यहां तक, गढ़ तो कहीं नहीं है। रोहतक को जिसको गढ़ मानता था उसको रह दिया था, उसको भी तो राया है ना, उसके गढ़ को तोड़ दिया। और अब विधानसभा के अंदर हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता है, आपके चैनल के माध्यम से देख भी रही है। मैं आपको बताऊंगा 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, आप भी नोट करना इस बात को। मैं तो सोच रहा था कोई फिगर मिलेगा, लेकिन आपने फिगर हम दे रहे हैं। कोई ऐसी सीट नहीं है जिसमें हम बड़े मार्जिन से नहीं जीत रहे हैं, तो इस हिसाब से तो आंकड़ा 90 का बनता है। बिल्कुल हम जीत रहे हैं, मैं ये बिल्कुल जीत रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, आपके लिए तरीके से सेवा दे रहे हैं, आपके लिए हम लोगों को सेवा दे रहे हैं, तो आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आगे अब जाहिर है चुनाव है, उसके बाद नतीजे हैं, और हर किसी के दिमाग में यह है कि किसके पास कितनी सीटें दिखाई देती हैं। सीटें तो नहीं, लेकिन ये दावा जरूर है कि हम बड़े बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।